एनडीए को और यूपीए को जिसको हमारी आवश्यकता महसूस होगी वो हमारे पास आएगा और शर्तों के साथ हम उनके साथ जाएंगे। आपको पता है कि नीतीश जी यदि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो आज भी उनको नालंदा का ही मुख्यमंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो सारा विकास खींच कर नालंदा लेके चले जाते हैं और सारा विकास नालंदा में उन्होंने किया। तो यदि शायद ऐसा होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यदि मौका मिलता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने गृह जिला नालंदा का विकास किया, वैसे ही अपने गृह राज्य बिहार का भी विकास करेंगे। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आने वाले साल यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में ब्राह्मण और भूमिहारों की बहुत बड़ी रैली होने वाली है। लाखों की संख्या में ब्राह्मण और भूमिहारों की जुटान होने वाली है। बता दें कि राजपा यानी राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने अपने से त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि साल 2024 के फरवरी महीने में दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जुटान होगी, जिसमें ब्राह्मण और भूमिहारों की रैली निकालने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आशुतोष कुमार, किस तरह से अपनी इस रैली के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, साथ ही साथ अपने पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, अपने पद से उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया है, सारी बातें बता रहे हैं आपको। उनकी पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। एनडीए को और यूपीए को जिसको हमारी आवश्यकता महसूस होगी वो हमारे पास आएगा और शर्तों के साथ हम उनके साथ जाएंगे। शर्त हम लोग 2014 से ही लेकर चल रहे हैं और 2019 में जो पटना के गांधी मैदान में किए थे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे, हम लोगों ने 5 सूत्री मांग के साथ में वो कार्यक्रम किया था। वो 5 सूत्री मांग हम लोगों ने कई बार मीडिया के सामने दोहराया है, यदि आप लोग चाहेंगे तो फिर दोहराएंगे। उनमें से कोई जरूरी नहीं कि हमारी पांचों की पांचों बातें मानी जाए, लेकिन हाँ मुख्य बात है, जैसे 10% जो EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया है सवर्ण समाज के लोगों को, ये 10% बहुत कम है, इसके दायरे को बढ़ाया जाए। हम लोग शुरुआती दिनों से 25% की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अन्य आरक्षित वर्गों को, OBC को, SC ST को, जैसे उम्र सीमा में, जैसे परीक्षा शुल्क में छूट दी जाती है, तो यहाँ भी यदि आप उन्हें रिजर्व कैटेगरी में डाले हैं EWS वालों को, तो बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो अन्य रिजर्व कैटेगरी को मिलती है। लेकिन आपका सीधा मानना है तेजस्वी यादव अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरे, एटूजेड का उनका समीकरण फेल हो गया, भूमिहार समाज को नहीं देखे, अब भूमिहार समाज अलग निर्णय लेगा, अपनी गुलबंदी करेगा, उनका भरोसा फेल हो गया। एटूजेड की बात हम तो नहीं कर रहे थे ना, जो कर रहे थे वही अपने वादे से मुकर रहे हैं। हालांकि वो तो अभी कुछ दिन पहले भी कहे हैं कि हम एटूजेड की बात कर रहे हैं, लेकिन दो तरफा बात कैसे चलेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं और दूसरे तरफ आप आलोक मेहता के कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10% वालों का राज नहीं चलेगा, तो फिर ये A to Z की बात कैसे हुई। आप तो फिर उनकी बात कर ही नहीं रहे हैं, आप तो सीधा उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो आपको एक धारा पर रहना होगा, एक सिद्धांत पर चलना होगा, और यदि आप बार बार अपनी विचारधारा बदलेंगे तो फिर जनता का विश्वास आप खोएंगे और भविष्य में आपके लिए राह और मुश्किल होगी। पटना में जो बैठक होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की, उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्षी पार्टियों की बैठक अभी तय तो हो जाए, अभी तक तो 20 तारीख को होने जा रही है, इसके पहले भी दो डेट बदला है। हो सकता है कि 29 को फिर डेट बदल जाए, लेकिन देखिए अभी बात ही स्पष्ट है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यदि मेरी व्यक्तिगत राय पूछिए तो शायद ही कोई ऐसा बिहारी होगा जो नहीं चाहेगा कि बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। कौन नहीं चाहेगा? तमिलनाडु वाले चाहेंगे कि तमिलनाडु का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, केरला वाले चाहेंगे कि केरला का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, गुजरात वाले चाह रहे थे गुजरात का बने तो बने। तो हमको पता है कि नीतीश जी यदि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो आज भी उनको नालंदा का ही मुख्यमंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो सारा विकास खींच कर नालंदा लेके चले जाते हैं और सारा विकास नालंदा में उन्होंने किया। तो यदि शायद ऐसा होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पता है कि नीतीश जी यदि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो आज भी उनको नालंदा का ही मुख्यमंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो सारा विकास खींच कर नालंदा लेके चले जाते हैं और सारा विकास नालंदा में उन्होंने किया। तो यदि शायद ऐसा होता है कि ये देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, यदि मौका मिलता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने गृह जिला नालंदा का विकास किया, वैसे ही अपने गृह राज्य बिहार का भी विकास करेंगे। और जो खास करके जो इनका विशेष मुद्दा रहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जैसे ही आप ये प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले कलम से ही स्पेशल स्टेटस का दर्जा बिहार को देंगे।
और विपक्षी एकता की जो बात कर विपक्षी एकता के जहाँ तक जो लोग बात कर रहे थे, तो देखिए अभी कांग्रेस जो कर्नाटक में चुनाव जीती है उसके बाद कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ा है, और जिसके इतने सारे सांसद हैं जिनके कई राज्यों में सरकार है, वो नहीं चाहेंगे कि 40 विधायक रखने वाला कोई नेता हम उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े लोकसभा का। और इनके जैसे कई नेता हैं, जैसे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की 2-2 राज्यों में सरकार है, और भी ममता बनर्जी अपने आप को इनसे कम बड़ी नेता नहीं समझती हैं, कई ऐसे लोग हैं, KCR नहीं समझते हैं, नवीन पटनायक समझने को तैयार नहीं है। तो ये विपक्षी जो एकता की मुहिम है बहुत टेढ़ी है, इतना आसान नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देश में जितना मजबूत पक्ष होना जरूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बन ही जाए या विपक्ष वाले लोग आपस में मिलकर नरेंद्र मोदी को हरा कर सरकार बना लें, लेकिन यदि सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो कम से कम मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार मनमाना फैसला न ले।